असलम मेरी जान कटोटो, कैसे हो आप सब? तो फाइनली जो है ना आपका भाई फिर से आ चुका है एक और यूट्यूब भाई वीडियो के साथ। तो गाइज थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। जी हाँ गाइज, फाइनली जो है ना अभी तुम्हारा भाई जो है ना 6 मंथ एक्वस R2 यूज करने के बाद उसका रिव्यू लेकर आ चुका है। तो गाइज रिव्यू के साथ साथ जो है ना गेम प्ले भी बहुत ही तबाही किस्म का होने वाला है, वो भी इंजॉय करना। लेकिन उससे पहले जो है ना आपसे एक छोटी सी ना रिक्वेस्ट है। तो गाइज अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना, और जो वीडियो है वो लास्ट तक एंजॉय करनी है। तो गाइस रिव्यू के साथ साथ जो है ना आपने गेम प्ले भी एंजॉय करना है, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है ना तबाही किस्म के गेम प्ले बनाता है। तो गाइस अभी जो है ना बगैर किसी टाइम से कि चलते हैं सीधा ही वीडियो की जानिब, और सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक्स की। गाइस अगर इसकी ग्राफिक्स की बात की जाए तो ये हमें स्मूथ पर जो है ना 60 FPS प्रोवाइड करता है। और गाइस अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें इजिली 15 से 20 हज़ार तक आराम से मिल जाता है। बाकी गाइस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसके मुख्तलिफ रेट वगैरह चलते हैं, तो इग्नोर मारना अगर रेट थोड़ा सा फर्क हो तो। अच्छा तो गाइस अब इसकी बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी जो है ना गेम पर जो है ना पबजी अगर हम खेलते हैं तो उस पर ये तकरीबन सिर्फ 2 घंटे ही निकाल पाएगा बड़ी मुश्किल से। और गाइस इसी के साथ अगर इसकी बैटरी जब भी 50 या 140 आती है तो ये इतने FPS ड्रॉप करता है कि ना पूछो, मतलब गेम खेली ही नहीं जाती। तो इसीलिए तुम्हारा भाई तुम्हें रेकमेंड करेगा कि अगर आप गेम जब खेलते हो तो इसे चार्जिंग लगा के यूज करो। तो अगर गाइस 15 से 20 हज़ार की प्राइस में तुम 60 FPS खेलना चाहते हो तो इतनी मुश्किल तो उठानी पड़ेगी, चार्जिंग लगा के यूज करना पड़ेगा इसे। तो बाकी गाइस उसकी अगर मेजर जो प्रॉब्लम है उसकी अगर बात की जाए तो वो इसकी हीट प्रॉब्लम है। गर्मियों में तो ये बेहद हीट करता है। तो गाइस हीट कुछ इस तरह का करता है कि बहुत सारे FPS ड्रॉप होने लग जाते हैं और गेम खेली ही नहीं जाती। लेकिन सर्दियों में थोड़ी बहुत प्रॉपर FPS देने लग जाता है। तो गाइस इसकी हीट प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। मोबाइल में थोड़ी बहुत सेटिंग करने के बाद थोड़ी बहुत पड़ता है, लेकिन गाइस अभी तक जो इसका मेन सोल्यूशन नजर आता है वो है कूलिंग फैन। तो गाइस कूलिंग फैन के जरिए काफी हद तक जो है ना इसकी हीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाकी अगर मैं कूलिंग फैन का नाम लूं तो मेमो का DL05 जो है ना मैं खुद यूज करता हूँ, तो 4 से 5 मंथ उसे भी यूज करते मुझे हो गए। अगर तुम चाहोगे तो उसका भी रिव्यू मैं कर दूंगा, जो कि गाइस दराज पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। अच्छा तो गाइस एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप मेरी तरह कंटेंट बनाने के लिए एक्वस R2 लेने का सोच रहे हो तो यार ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप, क्योंकि गाइस वो मुझे पता है कि मैं किस तरह रिकॉर्डिंग करता हूँ। आजकल वैसे सर्दियों का मौसम है, FPS वगैरह अच्छे देता है, लेकिन जब गर्मियों का मौसम होता है ये बहुत ही FPS ड्रॉप करता है। कूलिंग फैन लगाने के बाद अगर रिकॉर्डिंग ऑन की जाए तो FPS वगैरह बहुत ड्रॉप होते हैं। गाइस ऑनेस्टली बताऊँ तो आप थोड़े बहुत पैसे कहीं से भी करके ना कोई और डिवाइसेस के लिए सोचे अगर आप कंटेंट वगैरह बनाने चाहते हैं, क्योंकि जारी बात है रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग में ये बहुत ही लैग करता है। तो गाइस अगर आप सिर्फ इसे सिंपल गेम खेलने के लिए यूज करेंगे तो फिर आप ले सकते हो। अच्छा तो गाइस आज का जो रिव्यू है यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई चीज मैंने मिस कर दी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो वगैरह बना के ना एक्सप्लेन कर दूंगा। और गाइस अभी जो है ना आगे का जो गेम प्ले है ना तबाही किस्म का, वो एंजॉय करो। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक को लाजमी से कर देना। बाकी गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।